रीसाइकलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। कचरे और रद्दी की मात्रा दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। दिवाली के समय में तो ये और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई घर की सफाई करता है, जिसके कारण कचरा और रद्दी भी ज्यादा मात्रा में निकलता है। ऐसे में रीसाइकिल करने का बिजनेस एक काफी अच्छा आइडिया है। भारत में कम लागत में हो सकने वाले इस बिजनेस में ग्रोथ का भी काफी अच्छा स्कोप है। ये बिजनेस MSME के अंडर आता है और एक छोटे स्तर का बिजनेस है। अच्छी लोकेशन और कबाड़ी वालों की अच्छी जानकारी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। कई तरह के मटेरियल रिसाइकिल हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। प्लास्टिक रिसाइकिलिंग। भारत में प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के बिजनेस का स्कोप बहुत अच्छा है। एक प्लांट लगाने के लिए आपको 50 से 500 स्क्वायर फीट की जमीन देखनी होगी। इसके साथ ही आपको कुछ हाई लेवल मशीनों जैसे ग्राइंडर, एंग्लो मशीन, ग्रैनुअल मेकर, कटर, तौलने की मशीन आदि की जरूरत पड़ेगी। मशीनों को चलाने के लिए बिजली का इंतजाम भी बढ़िया होना चाहिए। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेने के लिए आपको फीस देनी होगी। जमीन की कीमत हटा भी दें तो मशीन, लेबर, प्लास्टिक कचरा खरीदना आदि जैसे सब काम मिलाकर आपका खर्च लगभग 20 लाख रुपए तक हो जाएगा। पेपर रिसाइकलिंग। पेपर रिसाइकलिंग का बिजनेस काफी समय से चला आ रहा है। ये सबसे सरल, ट्रेडिशनल और फेमस बिजनेस है। कागज काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और रिसाइकलिंग से इसकी सप्लाई निरंतर बनी रहती है। ये बिजनेस मॉडल काफी सरल है। रद्दी की अवेलेबिलिटी होने के कारण इस बिजनेस में रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है। आप 3 से 15 लाख के बीच इन्वेस्ट करके अपना पेपर रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं। कागज की डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है, इसलिए आप चाहें तो एक लेवल आगे बढ़कर अपनी रिसाइकिल किए हुए कागज को एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि घरेलू मार्केट में भी आप इस बिजनेस में 11 से 16% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। फूड वेस्ट रिसाइकलिंग। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारी मात्रा में कचरा उत्पादित होता है। फूड वेस्ट को एनर्जी और पावर में बदला जा सकता है। बचे हुए खाने पीने के आइटम को खाद में बदलकर आप अपना फर्टिलाइजर ब्रांड बना सकते हैं। मार्केट में फूड वेस्ट आसानी से मिल जाता है। देखा जाए तो काफी कम इन्वेस्टमेंट में आपको इस बिजनेस में लगभग 15% का ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन काफी बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग। कैडमियम, फास्फोरस, लीड आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कुछ खतरनाक मेटल होने के कारण आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी कारण आपकी टीम में एक्सपर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। आपको सरकार द्वारा दिए गए मानदंडों के मुताबिक जरूरी अनुमतियां लेनी होंगी और अपने दस्तावेज तैयार करवाने होंगे। बस थोड़े एहतियातों को बरतकर आप इस बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपके पास रिसाइकिल प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपना वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं, जहां नगर निगम या अन्य लोग अपनी रद्दी जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, केन, फूड वेस्ट, पेपर आदि डाल पाए। जमा किए गए कचरे को छांटकर आप रिलेटेड बिजनेस या दूसरे बड़े रिसाइकिलिंग सेंटर्स को बेच सकते हैं। इसमें आप 9 से 12% तक का मार्जिन कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपना सेंटर खोलने और अपने कचरा उठाने वाली गाड़ी के आने जाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। समय के साथ आप बढ़ेंगे और बिजनेस में भी स्थिरता आएगी। बिजनेस के जमने और अच्छी कमाई करने के बाद आप अपना खुद का रिसाइकिलिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।